अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बंडल्स ऑफ साइंस क्लास टू यूनिट थ्री एंड लेसन फोर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टेम। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो टॉपिक था रूट्स, पहला पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा था, और देन हम पढ़ेंगे आज स्टेम पढ़ेंगे। स्टेम है क्या चीज़? ऑल प्लांट्स हैव अ स्टेम, तमाम जो पौधे होते हैं उनकी स्टेम होती है। द स्टेम ग्रो स्ट्रेट इन टू द एयर, जो स्टेम है वो सीधी हवा की तरफ उगती है। जैसे आप देख रहे हैं ये सीधी है वो ग्रो कर रही है। इट सपोर्ट द प्लांट अबव द ग्राउंड, अब ये इसका फंक्शन क्या है कि ये सपोर्ट करती है ज़मीन से ऊपर। जो रूट्स थी वो ज़मीन में प्लांट को जो है वो सपोर्ट करती थी, उनको जोड़ के रखती थी प्लांट को ज़मीन में, लेकिन जो स्टेम है वो क्या करती है, अबव द ग्राउंड सपोर्ट करती है। इन ट्रीज दिस स्टेम becomes thick and it is called the trunk, लेकिन जो दरख्त होते हैं उसमें इस स्टेम को जो है वो ट्रंक कहा जाता है। क्यों ट्रंक कहा जाता है? क्योंकि जो स्टेम होती है ट्रीज की वो ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन जो प्लांट्स होती है उसकी थिन होती है। जो थिक स्टेम होगी उसको हम कहेंगे ट्रंक। ब्रांचेस लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन इट, अब इस जो है स्टेम पे वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उगती हैं? ये ब्रांचेस, जो छोटी छोटी आपको टहनियाँ नज़र आ रही हैं ये हैं ब्रांचेस हैं, देन ये लीव्स हैं, एंड देन ये इसके इनके ऊपर ही क्या उगेंगे, ग्रो करेंगे फ्लावर्स। इन स्टेम के ऊपर ब्रांचेस लीव्स एंड फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। द स्टेम टेक्स वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब इन स्टेम का फंक्शन क्या है कि जो ज़मीन से पानी को लेती हैं और जो प्लांट के दूसरे पार्ट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र करती हैं। द लीव यूज दिस वाटर टू मेक फूड, अब जो ये पानी जो है वो स्टेम सब पार्ट्स में ट्रांसफ़र करेंगी, उनको क्या उनसे क्या किया जाएगा कि लीव जो है उस वाटर को यूज़ करेगा और फूड बनाएगा, जैसे कि एप्पल ग्रो हो जाएगा या मैंगो या ऑरेंजेस, ये सब क्या है फ्रूट्स है, फूड है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, फूड है। और आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है स्टेम। स्टेम जो है वो एयर में ग्रो करती है, ये सपोर्ट करती है प्लांट को, और जो थिक होती है उसे ट्रंक कहते हैं। और इस पर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ग्रो करती हैं, स्टेम करती है, लीव्स एंड फूड। ठीक है, फ्लावर्स भी, फ्लावर्स ग्रो करते हैं। और जो ये स्टेम का फंक्शन क्या है कि वो वाटर को लेती है सॉइल में से और तमाम पार्ट्स में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, इस टॉपिक को पढ़ना है और समझने की भी कोशिश करनी है, आपने रीडिंग को अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है, थैंक यू।